मतलब टोटल खर्चा कितना आ गया भाई आपके सिस्टम में? भाई 90-1 लाख है भाई। आपने तो इतनी गाड़ी नहीं ली जितने का आपने सिस्टम लगा दिया इसमें, क्या बात है। सो हेलो गाइस, कैसे हो सारे भाई? भाई आज आपके लिए लेके आए हैं सेंट्रो। भाई सेंट्रो का कौन सा मॉडल है? भाई सेंट्रो 2011 मॉडल है लास्ट का। सो भाई आप पहले गाड़ी देख लो पूरी, ये देखो भाई एलॉय वगैरह लग रखे हैं। भाई भाई ने बिल्कुल जेड करा रखी है, ब्लैक जेड, देख रहे हो? शौकीन आदमी है भाई, ब्राह्मण है। ये देखो ये भाई एलॉय वगैरह पूरी जेड करा रखी है। भाई अभी सिस्टम वगैरह भी लगवा रखे हैं भाई ने, अभी वो सब दिखाएंगे। सो भाई पहले मिलते हैं गाड़ी के ऑनर से। भाई इधर आ जाओ भाई, ये हैं गाड़ी के ऑनर। हेलो भाई, क्या हाल है भाई? अपना नाम बताओ। भाई मेरा नाम अभी है। अभी ठीक है भाई। सो भाई कब ली थी गाड़ी? भाई ये मैंने सेकंड हैंड ली थी। कहाँ भाई, कब? हो गए 5-6 महीने हो गए। तो भाई कितने की पड़ी थी ये गाड़ी? भाई गाड़ी ली थी मैंने 1 लाख के लपेट में। 1 लाख के लपेट में, उसके बाद ही पैसे लगाए होंगे भाई। हाँ सिंपल ली थी पूरी। ठीक है भाई, ये देखो भाई। भाई सेंट्रो तो आजकल भाई ट्रेंड हो गया है मॉडिफाइड का। सो भाई हाँ जी भाई, गाड़ी लेने के बाद कितने रुपए लगाए भाई इसमें? हकीकत बताई जाए तो भाई पैसा इसमें बहुत लगता। कितना भाई लेते? इसमें 4,000 रुपये का एसी काम करवाया। 4,000 रुपये का एसी काम? क्या दिक्कत थी भाई एसी में? कंप्रेसर की दिक्कत थी थोड़ी। अच्छा भाई, फिर और अंदर से भाई 10-15 हज़ार रुपये इसमें अंदर से लग गए, स्टीयरिंग का और वो छोटा मोटा एक्सल वेक्सल का काम। हाँ जी भाई, फिर उसके बाद जो ऊपर से लगे एलॉय है पूरी डेंट पेंट करवाई गाड़ी। अच्छा भाई, इसमें HID डल रही है दोनों में। अच्छा भाई, ग्लाइड? हाँ HID डल रही है इसमें 150 वॉट की। अच्छा भाई ठीक है भाई, और नीचे फॉग लैंप लग भाई। ओके भाई। सो भाई बाहर से क्या क्या काम कराए एक एक करके बताओ सारे भाई, है ना? सबसे पहले अलॉय की बात करते हैं। अलॉय कहाँ से लगवाए और कितने के लगवाए? ये लगवाए थे करोल बाग से। करोल बाग से भाई, क्या प्राइस पड़ा था आपको? भाई जो इसकी गाड़ी के पहिए थे, हाँ ये एकदम ठीक थे, मतलब तो वो पहिए देके 30,000 रुपये दिए थे मैंने। अच्छा 30,000 रुपये दिए थे अपनी गाड़ी का अलॉय और पहिए दोनों देके? पहिए दोनों दिए थे। ठीक है भाई, भाई और क्या क्या काम कराया? और भाई इसमें बाहर से ये शीशा बदलवा रखा है, इसमें पहले से सीधा स्ट्रेट शीशा आता था। अच्छा, तो अब ये चेंज कराया? ये चेंज करवा रखा है। ठीक है भाई, ये स्टिकर लग रहा है। ठीक है, सामने से मैंने बताई दिया ग्रिल चेंज है ये वाली। अच्छा, ये वाली ग्रिल है? हाँ ये ग्रिल चेंज। सेंटर में ऐसी नहीं आती? आती है, बट ये दूसरी, मतलब दूसरे मॉडल की है। अच्छा भाई, उसमें दूसरी थी। ठीक है भाई, और उसके बाद भाई पीछे से तुमने देख लिया पूरी जेड भी पड़ी है? हाँ जी भाई। भाई जेड का कोई चालान वगैरह नहीं कटता आपका? भाई अभी तक तार कटा। भाई स्टाफ है भाई का दिल्ली पुलिस में, सो नहीं करते। बाकी तुमने देख, ये लो भाई पीछे, ये भाई साइलेंसर, साइलेंसर चेंज नहीं है बस, मतलब कि शो के लिए है ये, जो शो के लिए, बाकी आवाज वैसी है, नॉर्मल आवाज, नॉर्मल ही है। ठीक है भाई, भाई आज थोड़ा अंदर बैठ के बात करते हैं इंटीरियर वगैरह की। ये रहा भाई इंटीरियर। भाई ये आपने बाहर से लगवाया होगा डिस्प्ले, भाई इसका क्या प्राइस पड़ा था आपको? ये फ्रेम के साथ पड़ी थी 12,000 रुपये। फ्रेम के साथ 12,000 रुपये की? भाई एप्पल कार प्ले वगैरह सब कुछ होगा इसमें पूरी? ठीक है भाई। भाई चल कितनी रखी है गाड़ी? भाई ये चल रखी है आपकी 71 करीब है ना। आपने कितने पे ली थी भाई गाड़ी, कितने चली गई तब? भाई ये मैंने ली थी उस टाइम की 67-68 के लपेट में। मतलब आपने कितने चला दी टोटल? 4-5 हज़ार चला दी। अभी ज्यादा दिन भी नहीं हुए, लिए हुए ना? 5-6 महीने। CNG वगैरह भाई? ना भाई पेट्रोल है। पेट्रोल भी चल रही है, कुछ दिक्कत तो नहीं आती पेट्रोल में भाई? ज्यादा खर्चा वगैरह ऐसा कुछ? भाई एवरेज को, एवरेज कितना देती है भाई? यार इतना तुम अंदाजा ना, लेकिन अभी जो लगा ले तूने कैलाश कॉलोनी हाउस देखी कितनी दूर है? हाँ जी भाई, 600 रुपए के तेल में वहां से आना जाना होता बस। मतलब भैया 12-14 होता का एवरेज, इतना भी नहीं है 10 का एवरेज है? 9-10 ऐसा। भाई CNG का कुछ सोचा है इसमें, CNG लगवाने का? यार मेरे पहले भी CNG थी ना। अच्छा भाई, तो उस चक्कर में ही तो क्या दिक्कत आती है CNG में भाई? लाइन लगाओ गाड़ी चलती नहीं ढंग से, भगती नहीं। हाँ, तो भाई वो कोई बात नहीं, चलो CNG ना लगाओ, पैसा है भाई पे, कोई दिक्कत नहीं है, झेल लेंगे भाई। जेड पूरी करा रखी है आपने? हाँ। ये देखो भाई बाहर का व्यू कैसा आ रहा है, आप देखो अंदर से भाई सिस्टम वगैरह देखते हैं ना। हाँ भाई सिस्टम अंदर से तो यही काम हुआ गाड़ी में, ये है अंदर से भाई, ये पूरा चेंज है, मतलब की जो मैंने सेंटर ली थी ना। हाँ जी भाई, उसमें ये वाला इंटीरियर था। ठीक है ठीक है। इसके गेट, अच्छा ये पावर विंडो मैंने करवा रखी है चारों, मतलब आगे से भी चारों कंट्रोल कर सकते हैं। समझ गया। ये डैशबोर्ड भी चेंज है। डैशबोर्ड भी पूरा चेंज करा है? डैशबोर्ड भी चेंज है, सीटें भी चेंज है। अच्छा, सीट कवर या सीट पूरी? पूरी सीट चेंज है। अच्छा, मतलब आपने एक बात ये है कि पूरी इंजन, गाड़ी का इंजन लिया था, बॉडी आपने करवाई है गाड़ी की? हाँ, भाई ये भी चेंज है पूरा, ये गियर बॉक्स वगैरह, गियर बॉक्स नहीं कप होल्डर ये सब जो भी है। अच्छा, इसमें तो नॉर्मल वाले आते हैं। हेडरेस्ट नहीं लगाया भाई आपने इसमें? हेडरेस्ट लगवाने के लिए टाइम नहीं मिल रहा अभी। अच्छा, लगाऊंगा हेडरेस्ट और थोड़ा बहुत काम हो रहा है। कोई नहीं भाई, लगवा लेना।
भाई सिस्टम गाड़ी का ये पैनल वगैरह भाई, ये ट्विटर दो ट्विटर लग रहे हैं, दो ट्विटर लग रहे हैं, बाकी स्पीकर वगैरह चलो बाहर देखते हैं भाई, सिस्टम देखते हैं गाड़ी का है ना। अच्छा भाई, भाई गर्मी बहुत हो रही है, ये देखो भाई, भाई अब गाड़ी का सिस्टम दे, भाई सिस्टम सबने तगड़ा है इस गाड़ी का, ये देखो भाई, भाई ये सिस्टम है, ये डीजे बना रखा है भाई, ये थोड़े पुराने से लग रहे हैं, इसका क्या दिक्कत है? ये भाई मेरी मेरे पास से पहले स्कोडा थी ना, अच्छा स्कोडा भाई उसमें लगवाए थे ये, ओके भाई, तो उसी के मैंने इसमें डलवा दिया, हाँ जी कोई दिक्कत नहीं भाई, फिर तो प्राइस वगैरह क्या पड़ी थी भाई, प्राइसिंग वगैरह इसकी भाई, ये पेटी पड़ी थी इसकी लगभग 30,000 रुपए की, अच्छा भाई, और दो एम पे इसमें, एक पड़ा था 10,000 रुपए का और एक चार चैनल 5,000-6,000 रुपए का था, ठीक है भाई, और 3,000 के थे, अच्छा भाई, मतलब टोटल खर्चा कितना आ गया भाई आपके सिस्टम में? भाई वही 90-1 लाख ऐसा कुछ पड़ा। भाई आपने तो इतनी गाड़ी नहीं ली जितने का आपने सिस्टम लगा दिया इसमें, क्या बात है। भाई किसी के यहाँ शादी वगैरह हो ना तो डीजे की जरूरत नहीं है, हमें कॉन्टेक्ट कर लेना, हम ले आएंगे गाड़ी अपनी, ठीक है, पैसे तो लगेंगे, हाँ ये बात अलग है, डीजे से कम ही ले लेंगे, कोई बात नहीं। सो भाई बंद कर लो डिग्गी, बंद कर दो भाई, ठीक है भाई। भाई और कोई स्पेशल काम गाड़ी में जो कराया हो? अंदर से मैंने बताई दिया तो जो हाँ जी भाई, हाँ जी भाई, स्पॉइलर वगैरह नहीं लगाया भाई आपने अभी? स्पॉइलर इसमें लगा हुआ था, जब मैंने ली थी तभी लगा हुआ था, अच्छा खुद ही हटा दिया जानबूझ के, क्योंकि जब ये बजता था ना, हाँ जी भाई, तो वो खड़खड़ करता था, मतलब गंदी तरीके से वाइब्रेट करता था, समझ गया समझ गया भाई। बाकी तो गाड़ी तो A1 है बिल्कुल, आप देख लो भाई, क्या प्राइस की ली थी गाड़ी आपने बताया, भूल गए शायद, मैं 1 लाख रुपये समथिंग ली थी, लेकिन उसके बाद भी भाई ने कम से कम 1-1.5 लाख रुपये लगाए हैं इसके ऊपर, ज़्यादा ही लगाए हैं भाई, 2 लाख रुपये मान लो लगाए हैं, उसके बाद 1 लाख का सिस्टम लगाया है, मतलब टोटल गाड़ी भाई को पड़ गई 4-4.5 लाख रुपये की, 3.5 बट भैया शौक पूरा करना है भाई, वही वाला सीन है भाई, इससे पहले भाई के पास स्कोडा थी बट भैया वो एक्सपायर हो गई थी तो वो नहीं ली भाई, इसका मतलब क्या है? नो चिक्स अलाउड भाई, ये मैंने देखा हुआ था किसी की गाड़ी पर, अच्छा तो हाँ का मतलब एक शो के लिए, हाँ अच्छा लग रहा तो मैंने ऐसे लिखवा दिया, ठीक है भाई। बाकी भाई ये देखो गाड़ी पूरी, भाई इस गाड़ी का भी सिनेमैटिक मोड डाल देंगे भाई, लाइटिंग वगैरह में तो आपने भाई हेडलाइट काम कराया, बस लाइट में इसके पीछे भाई लाइट हमारे इसमें डलवा रखी है, मतलब कि रिफ्लेक्टर टाइप आते हैं, हां जी भाई, मैं लगातार चलते हैं ब्रेक पे, ठीक है वो आगे है, साइड डल रही है, अच्छा लाइटिंग का भी काम करा रखा है भाई, बस बाकी पूरी गाड़ी, ठीक है भाई, चलो भाई धन्यवाद, फिर मिलते हैं आपसे, है ना भाई, ओके भाई, थैंक यू।